बहादुरगढ़ के देवनगर में सीवरेज ब्लॉक होने के चलते गलियों में गंदगी भरी हुई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों के घरों के सामने गंदा पानी भरा हुआ है। परेशान लोगों ने जल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलकर समस्या को दूर करने की मांग की है। उन्हें 3 दिन का समय दिया है। लोगों ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर 3 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बहादुरगढ़ जर्जर रोड पर जाम लगा देंगे। वहीं अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया है। लोगों ने बताया है कि यहाँ की गली नंबर 4, 5 और 6 में आए दिन सीवरेज व्यवस्था चरमराती रहती है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के SDO दलबीर देशवाल का कहना है कि वो समस्या के समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये गलियां शहर की सीवर लाइन की बिल्कुल अंत में आती हैं, इसलिए अगर सीवर लाइन में कहीं भी कोई ब्लॉकेज होती है तो इनका सीधा असर देवनगर की गलियों पर पड़ता है। ऐसे में यहाँ की गलियों के लिए स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही गलियों से पानी निकाल दिया जाएगा, भविष्य में लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इसको लगाएगा उसको